कल अपन ने लास्ट तक पढ़ा था समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन का क्या महत्व था। तो आज अपन पढ़ रहे हैं जो कोशिका विभाजन का तीसरा इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या क्या घटनाक्रम होंगे, सबसे पहले तो मियोसिस या अर्धसूत्री जो विभाजन टर्म है ये किसने दिए। यहाँ साइंटिस्ट का नाम है वो है फार्मर एंड मूरे। दो साइंटिस्ट ध्यान रखने हैं, फार्मर एंड मूरे ने ये टर्म दी है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जो एक कोशिका होती है उसको अपन कह रहे हैं क्षेत्रक कोशिका या जनक कोशिका। इनके अंदर विभाजन स्टार्ट होता है जिससे बनती है चार संतति कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है वो विभाजन कहलाएगा मियोसिस। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था, एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था। यहाँ जो कोशिका भाग ले रही है इसको कह रहे हैं जनक कोशिका। की विशेषता की बात करें तो ये होती है डिप्लोइड सेल, द्विगुणित कोशिका होती है। दूसरी तरफ यदि जो बनने वाली कोशिकाएं हैं उनकी बात करें तो उनको करें संतति कोशिकाएं, और इनकी जो संरचना होती है वो होती है अगुणित हैप्लोइड। जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही थी, जनक कोशिका भी थी द्विगुणित और संतति कोशिकाएं भी थी द्विगुणित। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। इस कारण इसको अपन कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब हो गया आधा और सूत्री का मीनिंग हो गया गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई। इसी कारण इस विभाजन को अपन क्या नाम देते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं इसी को। न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन भी इसी को कहा जाता है। जो संतति कोशिकाएं बनी हैं, जो नई कोशिकाएं बनी हैं, वो अपने गुणसूत्रों की संख्या में और जो आकारिकी होती है, मोर्फोलॉजी होती है, उन दोनों में अपने जनक कोशिका से भी भिन्नता दर्शाती है। इसी कारण इस विभाजन को कहा गया है हेटेरोटाइपिक विभाजन। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या था, गुणसूत्रों की संख्या और जो आकारिकी स्वरूप है वो दोनों बराबर थे जनक कोशिकाओं के, इस कारण वहां लिखा था अपने होमोटाइपिक विभाजन। जबकि यहाँ कैसा हो गया, हेटेरोटाइपिक विभाजन भी कह रहे हैं इसको। मियोसिस है ये दो स्टेप्स में पूरा होता है, जबकि जो माइटोसिस है वो एक ही स्टेप में पूरा होता है। तो यहाँ जो न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, जो केंद्रक है वो दो बार विभाजित होता है, केंद्रक दो बार विभाजित होता है, जबकि माइटोसिस में केंद्रक एक ही बार विभाजित होता है। क्योंकि माइटोसिस में एक ही स्टेप में पूरा हो रहा, जबकि मियोसिस में दो स्टेप में ये पूरा होगा। तो यहाँ बेसिक सी जानकारी ध्यान में रखनी है कि केंद्रक का दो बार विभाजन होने के फलस्वरूप एक कोशिका से चार संतति कोशिकाएं बन रही है, तो ऐसा विभाजन कहलाएगा मियोसिस। इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो इसको न्यूनकारी रिडक्शनल डिवीजन भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो संतति कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक की तुलना में आधी रह जाती है। इसको हेटेरोटाइपिक डिवीजन भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो जनक कोशिका और संतति कोशिकाएं हैं ये दोनों भिन्न प्रकार की होती है। टर्म किसने दी है, फार्मर और मूरे ने, जबकि माइटोसिस टर्म दी है फ्लेमिंग ने। इसके अलावा जो मियोसिस होता है ये मियोसिस कौन से भाग में होता है, तो जो जनन अंग होते हैं, जनन अंग, उनके अंदर होता है मियोसिस, जिसके कारण
युग्मकों का निर्माण होता है इसी प्रक्रिया के माध्यम से, या अपन कहना चाहें कि कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो अपन लिख सकते हैं इसको जनन कोशिकाओं में। जबकि जो समसूत्री विभाजन था वो हो रहा था कायिक कोशिकाओं में, तो जनन कोशिकाओं में संपन्न होने के कारण इसको गेमेटिक डिवीजन भी कह सकते हैं अपन, और उसको कहा था अपन ने सोमेटिक डिवीजन, और इसको कह रहे हैं गेमेटिक डिवीजन। यदि इसमें अपन आगे बढ़ते हैं तो जो मियोसिस है इसकी शुरुआत भी कहाँ से होगी, सेल साइकिल से। कल भी अपन ने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था, कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं पढ़ी थी अपन ने, एक थी इंटरफेज और दूसरी अवस्था थी एम फेज या एम अवस्था। इंटरफेज में अपन ने क्या पढ़ा था, तीन उपअवस्थाएं पढ़ी थी, G1, S और G2। जबकि एम फेज में एम का मीनिंग क्या बताया था, यदि माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो माइटोटिक फेज कह देंगे इसको, यदि मियोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको कह देंगे मियोटिक फेज। एम फेज को दो स्टेप में डिवाइड किया जाता है कैरियो काइनेसिस, जबकि दूसरा है साइटो काइनेसिस। कैरियो काइनेसिस को चार अवस्थाओं में बांटा जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इनमें से अपन ने कल पढ़ा था इंटरफेज और माइटोसिस की जो दो अवस्थाएं हैं उनके बारे में, तो अपन आज शुरुआत कर रहे हैं किसकी, मियोसिस की। तो इंटरफेज में जो भी अपन ने नाम बताए कल वो ऐसे के ऐसे ही होने वाले हैं। यहाँ क्या विशेष ध्यान रखना है, G1 के जो नाम बताए वही है, जो भी अपन ने इवेंट्स पढ़े थे माइटोसिस में वो ऐसे के ऐसे ही होने वाले। यहाँ एक विशेष चीज का अपने को ध्यान रखना है, जो एस अवस्था में अपन ने कल पढ़ा था डीएनए का सिंथेसिस होता है, जो डीएनए का संश्लेषण हो रहा था, निर्माण हो रहा था, वो 100% कहाँ हो रहा था, एस स्टेज में, यदि माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो। यदि मियोसिस पढ़ रहे हैं तो इसका संश्लेषण दो अवस्थाओं में होता है, एस अवस्था में बनता है 99.97% डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है इंटरफेज की एस उपअवस्था में, जो बचा हुआ है 0.3% जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में, जो जायगोटिन अवस्था है प्रोफेज अवस्था में भी अपन अभी जिक्र करेंगे, ये भी पांच उपअवस्थाओं में बटा है, इसमें अवस्था का नाम ध्यान रखना है जाइगोटिन अवस्था, उस अवस्था में जाके और बचा हुआ डीएनए है उसका संश्लेषण होता है। बाकी जितने इवेंट्स अपन ने माइटोसिस में इंटरफेज अवस्थाओं में पढ़े थे वो एज इट इज रहने वाले हैं। तो यहां इसको पहले दो भागों में बांटा जाता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जैसे ही मियोसिस सेकेंड कर रहे हैं स्टार्ट अपन, तो सबसे पहला अपने को यहीं से स्टार्ट करना सेल साइकिल से, मियोसिस पूरा होने के बाद में, फर्स्ट होने के बाद में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी। तो मियोसिस फर्स्ट पढ़ा जाएगा, मियोसिस सेकेंड एज इट इज किसके बराबर रहेगा, माइटोसिस के बराबर रहेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री प्रथम है, इसके कारण क्या क्या घटनाएं होगी, कौन कौन से इसमें चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो शुरुआत होगी अपने कहाँ से, इंटरफेज से। इंटरफेज में अपन ने पहले भी पढ़ लिया कि तीन उपअवस्थाएं होती है, इनको शॉर्ट में बता रहा हूँ, G1, S और G2। कितना सा चेंज आया है, जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा था वो कितना हुआ था यहाँ पे,
99.97%, जबकि माइटोसिस पढ़ते तो इसका पूरा का पूरा 100% संश्लेषण इसी अवस्था में होना था। तो यहाँ एक ही डिफरेंस अपने को ध्यान में रखना। इसके बाद में सीधा अपन चलते हैं कौन सी सेकेंड जो अवस्था है जिसको अपन कह रहे हैं एम फेज। एम फेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मियोटिक फेज, जबकि वहां था माइटोटिक फेज। तो यहां इसके जो दो कंडीशन बताई अपन ने, पहला है अपने पास में कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या हो रहा है, तो जो न्यूक्लियस है केंद्रक है इसका विभाजन जो हो रहा है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। इसको चार अवस्थाओं में बांटा है अपन, पहला पढ़ रहे हैं तो यहां अवस्थाओं के नाम कैसे दिए जाएंगे, प्रोफेज फर्स्ट, प्रो मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पहुंचेंगे कहां पे, साइटोकाइनेसिस, जिसके अपन ने दो तरीके पढ़े थे, जो माइटोसिस में तरीके पढ़े हैं वैसे के वैसे ही यहाँ होने वाले, कोई चेंजेज नहीं है उनमें। तो अपने को किसके बारे में पढ़ना है एक्स्ट्रा यहाँ पे, केवल अपने को इन चार अवस्थाओं में क्या चेंजेज होगा उसी के बारे में अपने को ध्यान रखना है। इंटरफेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो डीएनए का संश्लेषण हो रहा था वो पूरा नहीं होता है और कुछ परसेंटेज जो बचा हुआ रहता है उसका प्रोफेज में जाके और संश्लेषण होता है। तो पहली अवस्था आती है अपने पास में प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज प्रथम, पहली स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो सर्वाधिक जो जटिल अवस्था है वो कौन सी होने वाली है, प्रोफेज प्रथम। सर्वाधिक जटिल अवस्था क्यों कह रहे हैं इसको, कॉम्प्लेक्स जो फेज है वो है प्रोफेज। ऐसा क्यों है कि जो ये प्रोफेज प्रथम है इसमें पांच उपअवस्थाएं पाई जाती है, इसको फिर आगे डिवाइड किया गया है पांच उपअवस्थाओं में, पांच सब स्टेज कौन कौन सी है, उनमें क्या इवेंट्स होने वाले हैं। ये भी मियोसिस की यदि पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है तो इसका आंसर भी कौन सा होने वाला है, प्रोफेज ही होने वाला है। तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबी अवस्था पूछ ली जाती है तो वो भी है प्रोफेज फर्स्ट। पांच उपअवस्थाएं कौन कौन सी है, पहली है वो है लेप्टोटिन, दूसरी अवस्था है वो है जाइगोटिन, तीसरी अवस्था है पेकाइटिन या पेकेटिन, चौथी अवस्था है डिप्लोटिन और पांचवी अवस्था है डाई या डाई काइनेसिस, डाई या डाया काइनेसिस। ये पांचों अवस्थाओं की अपने को सीक्वेंस ध्यान में रखनी है, लेप्टोटिन, जायगोटिन, फिर है पेकाइटिन, फिर है डिप्लोटिन और फिर है डाई काइनेसिस। तो ये कोड अपने को ध्यान में रखना है, इनकी सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अनुसार क्या होंगे, एक से एक आगे घटनाक्रम होंगे। तो कई बार जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें इनकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है या इनका तरीका पूछ लिया जाता है कि कौन सी अवस्था प्रोफेज की है या नहीं है या इनका जो सीक्वेंस है वो कौन सा है। जैसे जैसे जो अवधि है वो आगे बढ़ेगी
तो एक से एक आगे अवस्थाएं आती रहेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी, जो लेप्टोटिन अवस्था है। तो इस लेप्टोटिन अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले अपने पास था ये कोशिका, कोशिका झिल्ली है ये चारों तरफ, और इसके अंदर पड़ा हुआ है केंद्रक, केंद्रक के अंदर है क्रोमोजोम, जो अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं कि कैसे होते हैं, पतले और धागे के समान होते हैं। यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो आकार है वो डिक्रीज होने लगता है। केवल इतनी सी घटनाक्रम अपने को ध्यान में रखना है लेप्टोटिक। दूसरी जो अवस्था है वो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है। पहला जो घटनाक्रम है इसमें वो तो क्या है कि 0.03% डीएनए बचा हुआ रह गया था, उसका सिंथेसिस भी यहीं आके होता है इसी अवस्था में। दूसरे घटनाक्रम क्या होता है इसमें, जो है सिनेप्सिस, सिनेप्सिस की जो क्रिया है वो होती है जायगोटिन अवस्था में। अभी सिनेप्सिस क्या होता है ये समझने के लिए अपने को इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है। वो है पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी जो समजात गुणसूत्र है उनका पेयरिंग में इकट्ठा होना या उनका जुड़ना। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, समजात, समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनना, या अपन लिख सकते हैं मिक्स में भी लिख सकते हैं, समजात गुणसूत्र का पेयरिंग होना या सहयुग्मन होना, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिनेप्सिस कहलाती है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सिनेप्सिस का घटनाक्रम है वो कहाँ पे होता है, तो वो है जायगोटिन अवस्था में। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट था अपने पास में, जो बचा हुआ डीएनए था उसका सिंथेसिस हो गया, होमोलोगस क्रोमोजोम है वो पेयर बनाने लग गए यहाँ पे। तो ये पेयर बनाएंगे तो कैसा अपने को दिखेगा, अपने पास में एस अवस्था को पार करने के बाद में जो क्रोमोजोम था वो कैसा हो गया था, इस प्रकार का अपने को क्रोमोजोम दिखाई दे रहा था। दूसरा एक और ऐसा क्रोमोजोम आएगा और वो क्या होगा, इसके साथ में जुड़ेगा। तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे अपन, समजात गुणसूत्र कहेंगे इसको। ये क्या है, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र कब कहा जाएगा उसको, इसको और अपन देखते हैं। तो जैसे ये क्रोमोजोम है, अपन ने पढ़ा है पहले कि जो जीन होती है वो क्या होती है, डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट होता है, ऐसा खंड होता है जो इन फ्यूचर यानी भविष्य में क्या करेगी, एक प्रोटीन का निर्माण करेगी। सपोज कोई उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे पादप है, तो पादप की ऊंचाई, यहां मैं एक लक्षण ले रहा हूं, इसके दो रूप होते हैं, दो ट्रेड्स होते हैं, या तो होगा वो लंबा या फिर होगा वो बोना। तो क्रोमोजोम कैसे होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो लंबे के लिए जो अपन सिंबल ले रहे हैं वो है कैपिटल टी, कैपिटल टी, और बोना का है जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ क्या होगा, यदि यहाँ पे जो ये ब्लॉक है यहाँ पे कैपिटल टी इंडिकेट कर देता हूँ मैं, और यहाँ भी यदि कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो इसका मतलब जो ये लोकेशन है, इस लोकेशन को तो अपन क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जहाँ ये अपन सिंबल इंडिकेट कर रहे हैं इस पोजीशन को क्या कहते हैं, लोकस। तो यानी कि जब दोनों लोकस पे सेम लक्षण के लिए जीन पड़ा हुआ है तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है,
होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाता है, यानी कि दोनों एक ही है ये, दोनों किसके लिए कोड कर रहा है, पौधे की ऊंचाई के लिए। यदि दोनों जगह कैपिटल टी हो जाता है तो पौधा बनने वाला कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। यदि एक तरफ कैपिटल टी है दूसरी तरफ स्मॉल टी है तो इसमें जो डोमिनेंट होगा उसके अनुसार पौधा बन जाएगा। टी कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट के लिए अपन लिख रहे हैं तो पौधा कैसा बन जाएगा, लंबा बन जाएगा। यदि दोनों तरफ स्मॉल टी है तो पौधा कैसा हो जाएगा, बोना बन जाएगा। कुल मिला के जब दोनों लोकस पे सेम है जीन तो वो होमोलोगस कहलाएगा। सपोज कीजिए जैसे एक तरफ तो मैं यहां लिख देता हूँ किसी, जैसे कोई लक्षण ले रहा हूँ, आंख का रंग ले रहे हैं अपन या पुष्प का रंग ले लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे यहाँ लाल कलर के लिए पुष्प तो रेड ही लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ जो जीन है वो कैसी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्मॉल टी। तो टी किसके लिए था, पौधे की ऊंचाई के लिए था, जबकि आर अपने किसके लिए लिया था, जो पुष्प है उसके रंग के लिए। तो ये अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और ये अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो गुणसूत्र है वो समजात नहीं माना जाएगा। जब दोनों लोकस पे सेम है तो उसी को अपन क्या करें, समजात गुणसूत्र कह रहे हैं। यहां सिनेप्सिस की क्या प्रोसेस ध्यान में रखनी है अपने को, दो जो गुणसूत्र है वो क्या करते हैं, नजदीक आते हैं और पेयरिंग करते हैं, इस प्रोसेस को कह रहे हैं सिनेप्सिस। ये जो प्रोसेस है यहां एक विशेष अपने को चीज ध्यान में रखनी है, वो है सिनेप्टो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक प्रोटीन का फ्रेमवर्क होता है, यानी प्रोटीन का जाल बनता है, वो जाल जो बना उसी को अपन क्या कह रहे हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, और इसी के कारण ये पेयरिंग पॉसिबल हो रही है। तो यहाँ तीन घटनाएं ध्यान में रखनी है अपने को। पहला ही घटना क्या है, जो शेष बचा हुआ डीएनए था उसका सिंथेसिस हो गया, उसका निर्माण हो गया। उसके बाद में जो दो क्रोमोजोम हैं वो नजदीक आ रहे हैं जुड़ने के लिए, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिनेप्सिस कहेंगे। ये किस कारण जुड़ पाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, प्रोटीन का एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, जाल बन जाएगा, जिसके कारण ये दोनों को जुड़ने में आसानी होगी। ये तो घटनाक्रम हो गया अपना जायगोटिन का। समजात गुणसूत्र को समझने के लिए ये चीज अपने को आना जरूरी है। यही अपन जब भी मेंडल पे चलेंगे आगे तब इसी का वापस जिक्र होना है कि जीन क्या है, लोकस क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, या कब डोमिनेंट होगा, कब रेसेसिव जो है कैरेक्टर वो शो होगा। तो इसके बाद में तीसरी जो स्टेज है अपने पास में वो है पैकाइटिन। पैकाइटिन अवस्था है थर्ड नंबर पे। यहां क्या घटनाक्रम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होगा वो है जीन विनिमय। जीन विनिमय, और जीन विनिमय का कई बार एक नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, समजात गुणसूत्र, जो अभी अपन ने पहले की अवस्था में देखा है, समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं। यहां वापस अपन एक डायग्राम बना रहे हैं। अभी अपन ने पहले वाली कंडीशन में क्या देखा था, एक कंडीशन तो ये थी सिनेप्सिस की प्रोसेस होने के उपरांत कंडीशन कैसे आ गई अपने पास में, ऐसी कंडीशन है। जब भी इसको डायग्रामेटिक देखना चाहेंगे तो ये अपने को ऐसा दिखाई देगा ही। तो यहां यदि इन दोनों की बात करें तो ये तो कौन सी है,
सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है। देखो तो क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। यदि इन दोनों की बात करेंगे तो ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। इनको भी क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगी, यदि एक क्रोमेटिड ये इन्वॉल्व हो रही है और दूसरी क्रोमेटिड ये इन्वॉल्व हो रही है, तो इनको कहते हैं अपन, इनको कह रहे हैं अपन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इनके मध्य यदि किसी सामग्री का एक्सचेंज हो रहा है तो इसी प्रोसेस को अपन क्या करें, जीन विनिमय करें। आगे अपन जीन विनिमय अलग सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन न्यू टाइम में कहीं बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है, तो अपने को विशेष ध्यान रखना है पैकाइटिव अवस्था में होता है। जीन विनिमय होने के कारण ही क्या होता है, जो वेरिएशन है ये उत्पन्न हो जाता है। वेरिएशन जो भिन्नता है या विभिन्नता है ये उत्पन्न हो जाती है। जबकि ये घटनाक्रम माइटोसिस में नहीं हो रहा था, इस कारण उसमें वेरिएशन प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। यहाँ क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो भी जीन है वो क्या होगी, इस वाला जो क्रोमेटिड है इसकी जीन पहुँच जाएंगी इसके पास में और इसकी जीन पहुँच जाएगी इसके पास में, तो इस मटेरियल का एक्सचेंज होने की प्रक्रिया ही कहला रही है जीन विनिमय। तो एक नंबर में या न्यू टाइम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक नंबर में डेफिनेशन पूछ सकते हैं और न्यू टाइम में अवस्था का नाम पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है, इसी में आगे क्या होता है, जहां भी जीन विनिमय होता है, सपोज कीजिए यहां वाला जो सेगमेंट था वो तो आ गया इसके पास में और यहां वाला आ गया इसके पास में, तो ये एक विशेष स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर का, तो इसको क्या कह रहे हैं अपन, एक टर्म ध्यान में रखना है काइजमा, यहाँ वर्ड ध्यान में रखना है काइजमा का फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, इसी पैकाइटिन स्टेज में होता है। काइजमा क्या होता है, तो जीन विनिमय, जीन विनिमय स्थान पर या भाग पर या पोजीशन पर, स्थल पर, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं अपन, पर क्रॉस लाइक, क्रॉस संरचना का निर्माण होता है। इस क्रॉस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, काइजमा या तेजमा भी बोल सकते हैं उच्चारण में, जैसे भी मीनिंग निकलता है, तो काइजमा कहते हैं इसको। और जो ये काइजमा टर्म है ये दी थी जेनसन ने, काइजमा जो टर्म है ये दी थी जेनसन ने। पहले क्या होगा, पहले जीन विनिमय होगा, उसके बाद में काइजमा का फॉर्मेशन होगा। जितने काइजमा का निर्माण होगा वही क्या बता पाएंगे कि उतनी बार उसमें जीन विनिमय हुआ है। सपोज कीजिए किसी में दो जगह अपने को काइजमा दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो बार क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जीन विनिमय हुआ है। तो काइजमा की जितनी संख्या बनेगी वो किसके इक्वल रहेगी, कितनी बार जीन विनिमय हुआ है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद में एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको कहेंगे काइजमा। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो चौथी अवस्था है वो है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन, इस डिप्लोटिन अवस्था में क्या घटनाक्रम होगा, जो दूसरी अवस्था थी उसमें पास में आ गए, उसके बाद में मटेरियल एक्सचेंज हो गया, अब ये क्या होंगे, वापस दूर हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, जुड़ने वाली प्रोसेस को अपने कहा था सिनेप्सिस। तो यहां क्या हो जाएगा, डी सिनेप्सिस। यहां सबसे पहला घटनाक्रम कौन सा होगा, डी सिनेप्सिस होगा। डी सिनेप्सिस का मतलब क्या हुआ,
समजात गुणसूत्र का, समजात गुणसूत्र का परतक होना की घटना को क्या कह रहे हैं, डी सिनेप्सिस कहा जाता है। तो यहां विशेष चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो जोड़ा बनाता वो पूर्ण रूप से परतक नहीं होता है, जो टीलोमियर्स होते हैं वो फिर भी जुड़े हुए रह जाते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से अपन इसको देखना चाहे तो कैसा दिख पाएगा अपने को, ये पूर्ण रूप से परतक कब हो पाएंगे, ये जब एनाफेज पश्च पे पहुंचेंगे अपन, तब जाके और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। यानी कि जो बीच तक भी जुड़े हुए थे ये, यहाँ इसका अर्थ क्या लेना अपने को, 100% अलग नहीं करना, जो टीलोमियर्स होते हैं इन टीलोमियर से ये अटैच रहता है। यदि इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो क्या बताना अपने को, समजात गुणसूत्र का परतक होना, ये घटनाक्रम कहलाता है डी सिनेप्सिस। यही एक और घटना होती है जिसको कह रहे हैं अपन काइजमा टर्मिनलाइजेशन, काइजमा टर्मिनलाइजेशन या अपन कह सकते हैं काइजमा दीर्घीकरण। तो जो पैकाइटिन अवस्था थी अंत में, वहां काइजमा क्या होता है, जहां भी बना है वो धीरे धीरे क्या होता है, टीलोमियर की तरफ मुंह करने लगता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है काइजमा टर्मिनलाइजेशन या काइजमा दीर्घीकरण कहा जाता है इसी को। तो यहाँ भी दो इवेंट्स ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में लास्ट स्टेज आ जाती है अपने पास में डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस जो भी अपन ने माइटोसिस में पढ़ा है, वहां प्रोपेज अवस्था में अपन क्या पढ़ते हैं, जो केंद्रक आवरण था ये तो हो गई कोशिका, इसके अंदर पढ़ रहे थे अपन कि केंद्रक होता है और उसी के अंदर अपन ये इतना घटनाक्रम पढ़ रहे थे। अभी ये सब कुछ घटनाक्रम कहाँ हो रहा था, इस केंद्रक के अंदर हो रहा था। जो पांचवी उपावस्था है इसमें क्या होगा, जो ये केंद्रक आवरण है ये केंद्रक आवरण क्या हो जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे। दूसरा, इसके अंदर एक सेंटर में संरचना होती है जिसको कह रहे थे अपन केंद्रिका, तो ये केंद्रिका भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लुप्त होने लग जाएगी। इसके अलावा अपन ने जब भी प्रोपेज पढ़ी थी वहां क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रोजोम होते हैं ये किधर मुंह करने लग जाते हैं, ध्रुव की तरफ मुंह करने लग जाते हैं। तो जो अपन ने प्रोफेज में पढ़ा था, जो भी घटनाएं प्रोफेज में पढ़ी थी, वो सब घटनाएं अपने को कहां बतानी है, प्रोफेज पश्च की अंतिम अवस्था में अपने को उनको दिखाना है। यहां क्या लिखेंगे अपन, जो केंद्रक आवरण है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है, जो सेंट्रोजोम है वो ध्रुवों की तरफ गति करने लग जाते हैं, जो केंद्रिका है इसका आकार भी घटते घटते बिल्कुल लुप्त हो जाएगी ये और दिखाई नहीं देगी। आवरण नष्ट हो गया तो पूरी जो केंद्रक की सामग्री थी वो निकल कर कहाँ आ गई, इस कोशिका द्रव्य में फैल गई। या इसके बाद में सेंट्रोजोम का क्या काम था, तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं अब अपन कौन सी, मेटाफेज अवस्था। प्रोफेज पूरी हो गई, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये है कोशिका झिल्ली। इसमें क्या थे, अपने पास अभी जो क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर थी ये कैसी थी, यहां एक ही अंतर मिलेगा, जो अपन पढ़ रहे हैं माइटोसिस की मेटाफेज और मियोसिस की मेटाफेज अवस्था, ये अटैच है
ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। तो यहां अपन दो बना देते हैं, वहां क्या घटनाक्रम लिख रहे थे अपन फर्स्ट में, ये भी क्या होते हैं एक लाइन में क्या होते हैं अरेंज हो जाते हैं। ऐसा कैसा है अपने वहां पढ़ा था, वहां पढ़ा था जो क्रोमोजोम होते हैं वो एक सीधी रेखा पर अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि यहाँ क्या हो रहा है इस पूरे को अपन क्या करें समजात गुणसूत्र। फर्क कितना सा है, यहाँ इस अवस्था में क्या होगा समजात गुणसूत्र एक सीधी रेखा के रूप में क्या होंगे व्यवस्थित हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, जबकि वहां माइटोसिस की जो मेटाफेज अवस्था थी उसमें केवल जो अपने पास में डायग्राम बन रहा था वो ऐसा ही बन रहा था, ये अरेंज हो रहे थे वहां पे, जबकि यहाँ क्या डिफरेंस आया यहाँ जोड़े के रूप में ही क्या हो रहे अरेंज हो रहे। बाकी जितने भी घटनाक्रम वहां जैसे पड़े थे वही इसमें है, यहाँ क्या होंगे जो तर्कु तंतु है उनसे ये ऐसे जुड़े हुए। तो यहाँ ये भी चीज ध्यान में रखनी है, यदि इस हिस्से की बात करें तो इसमें तो क्या हो रहे थे दोनों तरफ से ये तर्कु तंतुओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या है एक इससे जुड़ा हुआ और एक इससे जुड़ा हुआ। एनाफेज फर्स्ट में क्या घटनाक्रम होगा, यदि एनाफेज की बात करें एनाफेज प्रथम में क्या घटना होनी है, जो समजात गुणसूत्र है समजात गुणसूत्र परतक हो जाते हैं। अभी अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था जो डिप्लोटिन अवस्था आई थी वहां भी अपन ने एज इट इज यही लिखा था कि डी सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, उसका मतलब क्या है जो समजात गुणसूत्र है वो परतक हो जाते हैं, या परतक वर्ड की जगह अपन वहां लिखना चाहे कि दूर दूर हो जाते हैं ये ज्यादा बेटर रहेगा वहां, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन कि परतक हो जाते हैं बिल्कुल। तो यदि डायग्राम के माध्यम से इसको अपन देखें इसमें कैसा इवेंट्स दिखने वाला है, यहाँ पे थे सेंट्रोजोम, इनसे स्पाइनल फाइबर निकलते हैं जो कि क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से क्या हो रखे हैं अटैच हो रखे हैं। तो एक जोड़ा एक तो यहाँ आ जाएगा और दूसरा जो ध्रुव है वहां पे। तो अपने को डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा इसमें, यदि इस कंडीशन का कोई डायग्राम दिखता है तो यानी कि ये किसका डायग्राम है कौन सी अवस्था का डायग्राम है, तो ये है एनाफेज फर्स्ट का, जबकि वहां क्या हो रहा था जो क्रोमेटिड था वो क्या हो रहा था विपरीत ध्रुव की तरफ मुंह कर रहा था। यहां समजात गुणसूत्र परतक हो गए, इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे अपन समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। यदि माइटोसिस की एनाफेज पड़ रहे हैं तो समजात गुणसूत्र की जगह लिखा जाएगा क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगती है। यहां सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हुआ है, ये विशेष बात ध्यान रखनी है अपने को कि सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन होगा एनाफेज सेकेंड में जाके। लास्ट स्टेज आती है इसमें कौन सी, टीलोफेज, चौथी अवस्था है टीलोफेज फर्स्ट। इसमें क्या घटनाएं होगी, जो सेंट्रोजोम है उनके स्पाइनल फाइबर तर्कु तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो जो क्रोमोजोम था वो कहाँ पहुंच चुका अब, बिल्कुल ध्रुव के ऊपर, और यहां भी क्या होगा
पहुंच जाएगा ध्रुव के ऊपर। यहां क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, केंद्रक आवरण विकसित हो जाएगा। इसके चारों तरफ भी क्या होगा, केंद्रक आवरण विकसित हो जाएगा। इसके अंदर जो केंद्रिका थी वो वापस प्रकट हो जाएगी, जो क्रोमोजोम थे वापस पतले होने लग जाएंगे, लंबे होने लग जाएंगे। तो यहां एक से दो तो हो चुके हैं, अब यहां स्टार्ट हो जाता है कौन सा, साइटोकाइनेसिस, जिसकी दो विधियां हैं, फरो मेथड और सेल प्लेट मेथड। यदि जंतुओं में पढ़ रहे हैं तो किससे होना है, फरो मेथड खांच विधि से, और यदि पादपों में पढ़ रहे हैं तो कोशिका पट्टी विधि से, सेल प्लेट से होता है। ये पूरा एजेटिज कैसा, जैसा माइटोसिस में हो रहा था वैसा का वैसा ही यहां अपने को ध्यान में रखना है। कहीं सारे पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है और सीधा स्टार्ट हो जाता है क्या, मियोसिस फर्स्ट, सॉरी मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। यदि मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो रहा है तो इसी के अंदर अपने को प्रोसेस स्टार्ट करनी है, और यदि साइटोकाइनेसिस होने के बाद में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो रहा है तो अपने को कैसे लेना पड़ेगा, इसके दो हो जाएंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसके अंदर क्रोमोजोम है, इसके अंदर क्रोमोजोम है, और ये पूरी हो गई कोशिका, ये दो ऐसे डिवाइड हो गई। यदि साइटोकाइनेसिस हो गया तो अपने पास में इसी फोरम है, यदि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है तो अभी भी इसी फोरम में अपने पास में अवेलेबल है, और यहीं से ये किस में एंटर ले लेगा, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड को किसके समान माना जाता है, ये होता है समसूत्री विभाजन के समान होता है। कुछ जो बिंदु है उनमें डिफरेंस है, बाकी जितना घटनाक्रम हो रहा है वो समसूत्री के समान ही चलता है। पहली बात तो जो इसकी इंटरफेज अवस्था है, उस इंटरफेज अवस्था में अपन पढ़ते आ रहे हैं कि तीन उपअवस्थाएं होती है, जबकि यहां दो ही उपअवस्थाएं होगी। पहली तो होगी G1 और दूसरी होगी G2। इसका मतलब यहां क्या होगी, जो S अवस्था है ये क्या होगी, एब्सेंट रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, S अवस्था में काम होता है जो DNA है उसका रेप्लिकेशन होता है, तो जो क्रोमेटिड है क्रोमोजोम की उनकी संख्याएं डबल हो जाएंगी। इसका कहने का मतलब है इस अवस्था को पार करने के बाद में जो क्रोमोजोम पहले ऐसा होता था, जो क्रोमोजोम था एस अवस्था से पहले कैसा होता है, इस फोरम में होता है, और एस अवस्था जैसे ही पार करता है वो किस फोरम में आ जाता है, इस रूप में आ जाता है। अपन ने लास्ट कहां छोड़ा था, टीलोफेज में, तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि जो टीलोफेज स्टेज थी इसमें ऑलरेडी कैसा है, चार क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम है पहले, जबकि एस अवस्था का भी काम क्या था, दो क्रोमेटिड को चार क्रोमेटिड में बदलना। तो यहां सीधा सा है, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एस स्टेज है वो एब्सेंट क्यों होती है, इसका एक ही कारण है कि जो क्रोमोजोम है उसमें क्रोमेटिड की संख्या ऑलरेडी ही क्या है, डबल हो रखी है, इस कारण एस स्टेज इसमें एब्सेंट रहती है, जबकि अपन समसूत्री पढ़ते हैं उसमें एस स्टेज भी पाई जाती है। दूसरा, जो मियोसिस है सेकेंड ये क्यों हो रहा है, तो ध्यान रखना जो क्रोमेटिड की संख्या है, क्रोमेटिड की जो संख्याएं हैं उनको कम करने के लिए यह विभाजन होता है।
गुणसूत्रों की संख्याएं तो कम कहां हो गई, मियोसिस फर्स्ट में ही पूरी होगी, लेकिन वहां एक से दो ही बने थे और अब दो और कहां से बनेंगे, सेकेंड पूरा होने के बाद में, तो एक से कितनी बनेगी, चार। यहां क्या चलेगा, प्रोफेज, प्रोफेज एज इट इज वैसा चलेगा जैसा अपने समसूत्री में पढ़ा। उसके बाद में मेटाफेज, के बाद में एनाफेज और इसके बाद में टीलोफेज, ऐसे घटनाक्रम होने हैं इसमें। यदि इन सभी को डायग्रामेटिक समझाए अपन, तो इनमें कैसे बनने वाले हैं, लास्ट में अपन ने छोड़ा था ये कोशिका और इसमें बन चुके थे क्रोमोजोमी और यहां भी था क्रोमोजोमी। जैसे ही प्रोफेज पूरी होगी आवरण वगैरह नष्ट हो जाएंगे, जो गुणसूत्र है ये धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे, जो केंद्रिका वो लुप्त होने लगेगी और ये सामग्री वापस कोशिका द्रव्य में फैल जाएगी। तो इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी कौन सी, मेटाफेज। मेटाफेज में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो ध्रुव होते हैं वहां पे क्या होते हैं, सेंट्रोजोम होते हैं और ये क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से जुड़ के और इनको सभी को क्या कर देते हैं, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहां अपने को डायग्राम इस तरीके से बनाने हैं, दोनों पैरेलल चल रहा है यहां पे, तो ये अवस्था है मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड। तीसरी स्टेज है एनाफेज सेकेंड। तो एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है ये अब यहां जाके और विभाजित होगा, जबकि एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था, समजात गुणसूत्र पृथक हो गए थे, वहां सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हुआ। तो यहां विभाजन होगा सेंट्रोमियर का, तो यहां पे कैसा दिखेगा अपने को, इस फॉर्म में अपने को डायग्राम देखने को मिलेगा। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, इवेंट्स जैसा अपन ने पढ़ा था कहां, समसूत्री विभाजन में कि सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और जो क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुव की ओर मुंह करने लग जाती है। एज इट इज वही घटनाक्रम यहां हो रहा है, बस यहां क्या चल रहा है, पैरेलल में चल रहा है, अपने को डबल डायग्राम बनाने हैं यहां। तो ये इवेंट्स है कौन से, एनाफेज सेकेंड के। टीलोफेज में क्या होंगे, ये बिल्कुल ध्रुव पे पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद में इनके चारों तरफ क्या होगा, केंद्रक आवरण विकसित हो जाएगा। टीलोफेज में क्या घटनाक्रम होना है, केंद्रक आवरण विकसित हो जाता है, क्रोमोजोम है वापिस पतले हो जाते हैं, इनकी लंबाई बढ़ने लगती है और ये वापिस धागे जैसे बन जाते हैं। इसके बाद में यहां क्या स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। तो ये क्या करेगा, इनको एक दो तीन और ये चार, तो एक से कितनी संततियां बन जाएगी, चार बन जाएगी और इनमें जो क्रोमोजोम की संख्या रहेगी वो रहेगी हेप्लोइड, अगुणित प्रकार का रहेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये था अपने पास में मियोसिस, जिसमें अपने को परफेक्ट रूप से पहली जो प्रोफेज फर्स्ट की पांच उपअवस्थाएं हैं उनको विशेष रूप से अपने को माइंड में रखना है कि उनमें कौन सा घटनाक्रम चल रहा है। यदि मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी इसका क्या महत्व है, तो पहला महत्व तो क्या है, जो युग्मक निर्माण होता है, यानी कि
युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होती है, यानी युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है वो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होती है। युग्मक हमेशा अगुणित संरचना होती है। दूसरी, जो क्रोमोजोम है या कोई भी जैसे शरीर है तो उसमें उसको डिप्लोइड स्टेट में भी बनाने का काम करता है, डिप्लोइड कंडीशन में उसको रखता है। जैसे कोई भी डिप्लोइड संरचना है, जैसे उदाहरण लेते हैं मानव की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। तो यहां क्या होंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक युग्मक बनेगा जिसको कह रहे हैं नर युग्मक। नर युग्मक के रूप में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, यानी कि शुक्राणु को अपन क्या कह रहे हैं? नर युग्मक कह रहे हैं। तो इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होगी? इसमें होगी 23, यानी अगुणित प्रकार का है। जबकि जो मादा युग्मक होगा, मादा युग्मक के रूप में क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या होगी 23। इसके बाद में क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन में क्या होगा? शुक्राणु और जो अंडाणु है इसका संयोग हो जाएगा, इसी को कह रहे हैं निषेचन, कह रहे हैं इसी को। और क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। और ये कैसा होता है? टू एन कंडीशन, यानी डिप्लोइड होता है, और इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। तो यानी कि ये क्रोमोजोम की संख्या को मेंटेन रखने का काम कर रहा है, डिप्लोइड स्टेट को बनाने का काम कर रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तीसरा है वेरिएशन, वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। ये किसके कारण हो पा रहा था? जीन विनिमय होने के कारण इसमें वेरिएशन उत्पन्न होता है, जबकि माइटोसिस में नहीं होता। यदि वेरिएशन उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ एक और विशेष चीज क्या ध्यान रखनी है, जो नई जातियां हैं, जो न्यू स्पीसीज है, उनका इवोल्यूशन यानी कि उनका विकास भी पॉसिबल है, या नई जातियां वो भी है बन सकती है। जैसे जैसे वेरिएशन बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जातियों में क्या होगा? बदलाव आएगा, और वो एक नई जाति का रूप धारण कर लेगी। तो ये अपने को चीजें ध्यान में रखनी है मियोसिस के जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है उनमें। अब यहाँ विशेष चीज एक और ध्यान रख लेनी है अपने को। अपन बात कर रहे थे किसकी? जो अर्धसूत्री विभाजन है ये कहाँ पे हो रहा है? अपन ने लिखा था जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में। तो यदि पादप की बात करें, पौधों की बात करें, तो पादप में जनन कोशिकाएं कहाँ मिलेगी, कौन से हिस्से में मिलेगी? तो ये मिलेगी अपने को पुष्प में। दो चीजें होगी, नर संरचना होगी और मादा संरचना होगी। तो नर संरचना में तो क्या होगा? जो पराग कोष है, इस पराग कोष के अंदर चलेगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन, और वहां से क्या बनेंगे? पराग कण बनेंगे वहां पे, जिन्हीं को अपन क्या कहेंगे? नर युग्मक के बराबर मान रहे। जबकि जो पुष्प है उसी में दूसरा भाग क्या है? बीजांड है। इस बीजांड के अंदर भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण क्या होंगे? मादा युग्मक बनेंगे। यदि अपन जंतुओं की बात कर रहे हैं, जंतुओं में भी जो अर्धसूत्री विभाजन चल रहा है वो कैसे चल रहा है? दो संरचनाएं हैं। यदि नर है तो नर में क्या होगा? वर्षण संरचना पाई जाती है, जहां पे क्या होगा?
अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा। यदि फीमेल है, मादा है, उसमें पाया जाएगा अंडा से, और इस अंडा से में विभाजन होने के फलस्वरूप बनेगा अंडाणु बनेगा, यानी मादा युग्मक बनेगा। तो अपन डिम्ब भी कहते हैं, ओयम भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके। तो विशेष ध्यान रखना कि पौधों में कोशिका विभाजन का जो अर्धसूत्री प्रकार है वो कहाँ संपन्न हो रहा है, पुष्प में हो रहा है, क्योंकि जनन भाग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। तो पुष्प में भी नर तो कौन सा भाग है, जो पराग कोष होता है, एंतर होता है, इसके अंदर ये घटनाक्रम चलेगा और नर युग्मक यानी पराग कण को उत्पन्न करेगा। और जो फीमेल होती है उसमें फीमेल भाग के रूप में कौन सा है, अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड, इस बीजांड में क्या हो रहा है, मादा युग्मक उत्पन्न हो रहा। तो ये था अपने अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद में अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।